बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और वाइस वर्सा अगर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसी केस में अगर हम बात करें कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम दे सकते हैं। टोटल मोमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इन दोनों का सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकया हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा और वाइस वर्सा। तो हम इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसी सिचुएशन में हम कैसे साबित कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यही केस है जो अभी हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में, कि हमारे पास एक बॉडी को हमने हाइट h पर रखा हुआ है, इसका मास अगर m है तो अल्टीमेटली हाइट h पर होने की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट a इज इक्वल टू एम जी एच के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी अगर पिछली वीडियो से या पिछले हिस्से से देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एम जी एक्स बन सॉरी एम जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एम जी एच है क्योंकि हाइट इसकी एच के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो के बराबर है। अब पॉइंट बी जो कि डिस्टेंस एक्स बिलो द पॉइंट ए है, इसकी अगर हम बात कर लें तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, वो ये चूंकि एक्स निकल गया तो एच माइनस एक्स टोटल डिस्टेंस था, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई एम जी एच माइनस एक्स। जबकि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर लें तो वो आ गया था एम जी एक्स। यहां पे हमने देखा था पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स के बराबर है। इसी तरह पॉइंट सी पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो जीरो हो गई थी, जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एम जी एच के बराबर थी, वो हमने यहाँ पे बात की थी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एम जी एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉइंट ए पर एट पॉइंट ए अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं, टोटल एनर्जी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब जीरो प्लस एम जी एच, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास एम जी एच आता है। अगर यही काम मैं पॉइंट बी पर करूं, एट बी टोटल एनर्जी वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगेन। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस जगह पे एम जी एक्स के बराबर है प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है एम जी एच माइनस एक्स। अगर इसको इसमें ऐड किया जाए तो ये एम जी एच माइनस एम जी एक्स के बराबर होगी, तो आंसर एम जी एक्स ये प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो अगर देखा जाए तो ये एम जी एक्स इस एम जी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास एम जी एच बच जाएगा। इसी तरह अगर मैं पॉइंट सी पर बात कर लूँ, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, चलें पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां पे एम जी एच के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है, तो रिजल्ट हमारे पास यहां पर भी एम जी एच आता है। अब
पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में, इन तीनों केसेस में अगर हम बात करते हैं तो हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी एम जी एच के बराबर ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आप सम करते हैं दोनों का तो वो हमेशा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में ना तो एनर्जी दाखिल हो रही है ना एनर्जी उससे बाहर निकल रही है, इस वजह से टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रह रही है अगर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये हो रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हमेशा किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है। अब इस सिस्टम में अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी असल में एनर्जी कंजर्व ही है, कि ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की सूरत में, हीट की सूरत में, साउंड की सूरत में ज़ाया भी हुई है, लेकिन वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, लेकिन टोटल एनर्जी इस सूरत में भी कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी का कॉन्स्टेंट रहना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। होप ये छोटा सा आर्टिकल जो पिछले आर्टिकल के साथ रिलेटेड था आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।